किसी भी शादीशुदा जिंदगी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है विटामिन सी, कम्युनिकेशन. एग्जैक्टली शर्माइन, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट और कोऑर्डिनेशन, C3. तो आज के गेम में हम कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे. तैयार हैं आप गेम खेलने के लिए? यस, जरूर. चलिए, तो तैयार हैं आप? तालियां. तो तैयार हैं आप हमारा गेम खेलने के लिए? जी. गेम का नाम है हम बंधे तुम बंधे एक दूजे के लिए. नहीं, एक्चुअली होना चाहिए हम बंधे तुम बंधे एक लींबू के लिए. बिल्कुल सही. आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट भाग के इधर से नींबू उठाने हैं, उधर डालने हैं. चलो, तैयार हैं? यस सर. इतना सिंपल नहीं है भाई, हाथ बंधे हुए हैं, ये चम्मच मुंह में डालने हैं और चम्मच से वो नींबू उठाकर वहां डालने हैं. कम से कम वक्त में जो कपल अपने बोल में ज्यादा से ज्यादा नींबू कलेक्ट करेंगे वो होंगे हमारे आज के विनर. चलिए, रेडी? अपनी जिंदगी में विटामिन सी बढ़ा दीजिए. चलिए चलिए. जर्मैन रेडी है? रेडी. चलिए, रेडी स्टडी गो. उठा पाएंगे शर्माइन? वाह वाह वाह, टक्कर, वेरी गुड. आराम से चल रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. क्या खबर इधर? नहीं, वो हो हो, वेरी गुड. अरे सावला, क्या बात है, क्या बात है. चलो चलो. अरे वेरी गुड. इधर से लगाइए. अरे मिस्टर सावला, डालिए उनके. ये परफेक्ट आइडिया. भाभी बस चम्मच मुंह में रख के घूम रही है. चम्मच थोड़ा बाहर निकालिए मिस्टर सावला. वेरी गुड. संभल के गिराना मत. गिरा, मेरी टीम के पास भी एक है. चलिए 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 चलिए. क्या बात है. वेरी गुड. आ गया, आ गया, आ गया, आ गया. ले लिए, दिए. आराम से जाइए, आराम से जाइए. गिराना मत वहां पर, वहां पर गिराना मत. मुंह से उठाइए. चलिए मैं आपको चांस देता हूं, मुंह से उठाइए. यस, गुड गुड, ऊपर, वेरी गुड. हाय, मेरा नाम मोहित है, मोहित सिंह, और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और अभी मैं एक कॉर्पोरेट फर्म के साथ वर्क कर रहा हूं. हाय, मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं दिल्ली से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूं और मेरा प्रोफेशन आई एम अ टीचर. इनकी अच्छी आदत यह है कि ये बहुत पॉजिटिव है. इनकी बुरी आदत यह है कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इनकी अच्छी आदत ये है कि बहुत स्वीटली बात करते हैं, बहुत ही प्यार से बात करते हैं. और उनकी बुरी आदत ये है कि इनको सुबह उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. हाय, मेरा नाम यश अडोदरा है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई का ही हूँ और अभी फिलहाल मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. हाय, मेरा नाम है दर्शा अडोदरा, मैं मुंबई से ही बिलोंग करती हूँ, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, एक कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ. इनके बारे में एक अच्छी आदत ये है कि बहुत केयरिंग है, एट द सेम टाइम बुरी आदत भी है और वो ये है कि बहुत जल्दी गुस्सा करती है. इनकी एक आदत जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब हमारे बीच में कुछ भी डिफरेंसेस होते हैं तो ये उसे तुरंत रिजॉल्व करते हैं. एंड एक बुरी आदत ये है कि वो बहुत आलसी है और बहुत ही जिद्दी है. आप कैसे मिले एक दूसरे को, कब मिले? सबसे पहली बात तो ये, जहाँ तक मुझे याद है हम लोग बहुत छोटे थे जब हम लोग मिले थे, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स रहे हैं. एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम दोनों की फैमिलीज फॉलो करती है, तो हम उसी के फंक्शंस के दौरान मिलते थे कभी. और वो फंक्शंस यूजुअली होते रहते थे हर महीने, हर कभी हफ्ते में हो रहे हैं, तो हम लोग हर टाइम मिलते थे. दिल्ली में क्या होता है कि जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम होता है वो बहुत अच्छे से झांकी वांकी लगा के सेलिब्रेट करते हैं. तो उस दौरान पे इनको, ये लड़के हैं जैसे, इनको कृष्ण बना देते थे तो मुझे राधा बना देते थे.
तो हमें साथ में खड़ा कर देते, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। ओके, फिर एक टाइम आया कि मैं शिफ्ट हुआ मुंबई, और मुंबई शिफ्ट हुआ उसके बाद सीरियस शुरू हुआ रिलेशनशिप हम लोगों का। एक बार हम लोग नॉर्मली चैट कर रहे थे, चैट करते 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 आई वाज जस्ट फ्लर्टिंग, लिटिल बिट ऑफ फ्लर्टिंग नॉर्मल ऐसे ही, और यहाँ से तो सीरियस चीज़ें याद निकल के आने लगी। एक इनसेन मेमोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये था कि आई गॉट टू नो कि मैं इन्हें चॉकलेट्स देता था, जैसे नॉर्मली हम बचपन में देते हैं चॉकलेट्स, देते हैं गिफ्ट्स देते हैं, तो इन्होंने चॉकलेट के रैपर्स तक संभाल के रखे थे। एंड आई वाज शॉक्ड कि अगर मैं नहीं करता उस टाइम पे फ्लर्ट तो ये लव स्टोरी बन ही नहीं पाती, मेरी रह जाती। लाइक तो वो एक चीज मुझे बहुत इनसेन लगी कि दैट वाज द लव शी हैज फॉर मी, जो कि छिपा हुआ था काफी लंबे उन रैपर्स पे आप डेट्स भी लिखती थी क्या पीछे कहीं? जब उस वक्त आपको बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ था? रियलाइज नहीं था। एंड दैट मोमेंट व्हिच आई टोल्ड यू दैट कि झूठ था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वो इतना स्ट्रांग था। तो तब सीरियस हुआ रिलेशनशिप एंड चला वो काफी टाइम तक, लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद भी काफी अच्छा चला। मैं दिल्ली आता, जब भी जाता था मिलना जुलना होता था। आई स्टार्टेड पोगिंग कि यार अब बात कर घर पे, अब बात करना जरूरी हो गया, अब बात करते हैं, चल बताते हैं। मैंने अपने डैड को बताया, तो मेरे डैड जानते थे कि फैमिली फ्रेंड्स है, तो इतना कुछ इश्यू नहीं हुआ, दो की इंटरकास्ट है, बट स्टिल ही वॉज वेरी फ्री कि चलो ठीक है, लड़की अच्छी है, सब अच्छा है, जानते हैं एक दूसरे को, तो इट्स ओके, तो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। वो मान गए इजिली। फिर इनके यहाँ से थोड़ी चीज़ें शुरू हुई और उसके बाद हमारी शादी हुई। हम आपसे सवाल पूछेंगे, जिसे जवाब पता है वो फटाक से बजर दबाएगा, सही जवाब दिया तो आपको मिलेगी किस, गलत जवाब दिया तो आपको मिलेगी डिश। रेडी चलो, ऑल द बेस्ट। आप दोनों से पहला सवाल, पहली डेट के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बताइए। इट वॉज अ टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल। सही है, सही है, सही है। तो किस दे दीजिए। पर आपने जवाब नहीं दिया था तो आपके लिए डिश है। बहुत कड़वा है। करेले का जूस, करेले का जूस तो कड़वा ही होगा। इसलिए बजर जल्दी दबाइए। चलिए अब आपके लिए सवाल, जब आप पहली डेट पर गए थे तो क्या खाया था? चाइनीज। सही है जवाब। चकिस दीजिए। चलिए आप ये पीजिए। तैयार है आप हमारा गेम खेलने के लिए? जी। हमारे गेम का नाम है ताल से ताल मिला। बहुत सिंपल गेम है। आप दोनों यहाँ आएंगे, बॉल को उठाएंगे और वहाँ जाकर उस बास्केट में डालेंगे। क्यों शर्माएं, ऐसे ही है ना गेम? नहीं नहीं, बच्चों का खेल थोड़ी ना है, बड़ों का खेल है। अच्छा। तो आप बॉल्स उठाएंगे लेकिन वहाँ कैसे डालेंगे? फोरहेड से बैलेंस करके। जो कपल कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बॉल्स उस बास्केट में डाल पाएगा वो होगा हमारा आज का विनर। रेडी है? रेडी। तो आइए अपनी अपनी जगह पर आ जाइए। Three, two, one, go! कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बॉल्स। अरे नीचे झुकना पड़ेगा। अंदर जाना चाहिए, बास्केट के अंदर नीचे झुके हैं। हाँ, very good। अरे वाह, बिचारे मिस्टर सिंह का एक बॉल बास्केट में जा चुका है। झुके, नीचे झुके, झुके आराम से। हाँ, very good। Fast, fast जाइए। झुक जाइए नीचे आके। हाँ, बिल्कुल नीचे झुकिए। रात को सोते वक्त सोने के बाद अचानक से मैडम को क्रेविंग आ जाती है आइसक्रीम खानी है, और फिर पहले आधा घंटा इन्हें समझाने में जाता है, मानती है नहीं, फिर उसके बाद उठ के आइसक्रीम खाने चले जाओ। मतलब वेस्ट करता है, उसको पता है मैं नहीं मानने वाली हूँ, तो क्यों वेस्ट करने का आधा घंटा रात। आपकी भी जिद थी ना कि इन्हीं से शादी करनी है, लो बुक तो। फादर ने बोला था कि ये लड़की है, मेरे को पसंद है, ये इतना हमको इंटरेस्ट नहीं दे रही थी, घास नहीं दे रहे थे। एक तो ये स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका से आया था और एकदम ब्लैकिश था, फुल ब्लैक, मुझे ब्लैक कलर का बिल्कुल पसंद नहीं था, सॉरी। इट्स ओके।